बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहबाज अली और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। सबसे पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की वबा एक बार फिर सर उठा रही है कि बड़ी मुश्किल से तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और अब स्कूल में अगर केस आ जाते हैं, कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो स्कूल 5 दिन के लिए बंद हो सकते हैं और बार बार हो सकते हैं। तालीम के हवाले से वालदैन को कितना कंसर्न होने की जरूरत है? देखिए, कंसर्न तो होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, देखिए सच बात करनी चाहिए, इट इज द प्रॉब्लम। खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ते हैं, खुदा ना खास्ता चीजें स्पाइक की तरफ जाती हैं, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो हमारे बच्चों की जिंदगी और टीचर्स की जिंदगी है। देखिए, तालीम में तो हर्ज पहले भी काफी आया है और खुदा ना खास्ता आगे भी आ सकता है। सो इसलिए हमें हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए और ये सारे फैसले जो है ये डे टू डे बेसिस पे हो रहे हैं, वीक टू वीक बेसिस पे हो रहे हैं। सो इधर कोई डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर केसेस बढ़ते हैं पंजाब में, स्पेसिफिकली अभी आपने बताया कि लाहौर का नंबर चौथा भी है, ये केसेस बढ़ जाते हैं तो क्या वापस से हम ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ जाएंगे और स्पेसिफिकली ऑनलाइन स्कूलिंग में जो प्रॉब्लम थी क्या कोशिश करेंगे मीन वाइल उसको भी थोड़ा बहुत बेहतर कर सकें? देखिए, उस पर काम हो रहा है साइमल्टेनियसली ऑनलाइन की तरफ, और जो हमने तालीम का टीवी पे भी शुरू किया था पंजाब के अंदर, जिसको अभी हमने रोका हुआ, ऑब्वियसली क्योंकि स्कूल खुल गए तो उसके बाद हमने उसको रोका हुआ। आई मीन वी आर वर्किंग ऑन दैट साइमल्टेनियसली। मगर मैं आपको ये बताऊं कि ऑनलाइन एजुकेशन आपने भी देखी है, आपके भी जरूर जानने वाले बच्चे होंगे, मेरे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो ऑनलाइन करते हैं, वो ऑनलाइन ऑनलाइन ही है, कोई उस तरह की पढ़ाई नहीं है कि रियली दे आर लर्निंग टू मच आउट ऑफ इट।